ले ले बहुत सारी फोटो शूट कर लिए, एक भी फोटो अच्छी, बस एक फोटो अच्छी आई मेरी, तो आते होने लग गए गाइस यहाँ पे। निकली बैठ गए हैं और हम लोगों को मंदिर का आशीर्वाद मिल गया है, सब लोग बैठे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज हम लोग गए अपने घर के पास वाली मंदिर, इष्टदेव कालीनाग जी के मंदिर में। तो चलिए व्लॉग को शुरू करते हैं। मंदिर में हम सभी लोग पहुँच गए हैं, तो यहाँ पे सभी लोग आ गए हैं और मंदिर में आजकल पेंटिंग का काम हो रहा है। लोगों ने अपना सामान मंदिर में दे दिया चढ़ाने वाला और खिलखिलाती धूप आई है और इतना प्यारा और नज़ारा गाइस, आप लोग देख सकते हो, इतना प्यारा व्यू। और यहाँ पे है नंदू भैया, बाकी लोग खाना बना रहे हैं। यहाँ पे हमारे ताऊ जी मिल गए। हेलो ताऊ जी, ताऊ यहाँ ऑर्डर देने की, ऐसे करो करके ना ताऊ जी, ऐसे करो या करना है ना, अब मैं थोड़ी कर सकता हूँ। हाँ, और पंडित जी राजू भाई को टीका लगा रहे हैं और आटा देखो गाइस, और हाथ से बना रहे। और यहाँ पे पुरुष मंडल सभी लोग अच्छे से मिलजुल के काम कर रहे हैं। गांव घर में जब भी कुछ काम काज होता है उसमें ना पुरुष मंडल लोग ही ज़्यादा काम करते हैं, मतलब पुरुष वर्ग ही ज़्यादा काम करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं पति देव भी यहाँ पे हाथ में रोटी बना रहे हैं, जो कि मुझे देखिए बहुत ज़्यादा तो बहुत अच्छा लग रहा है। दोनों गोलू एक साथ है गाइस, योगी भैया की बेटी देखो, दूसरी योगी, योगी दा रखना चाहिए था इसका नाम ऐसे ना, योगिता इधर देखो, इधर योगिता इधर देखो, ये योगिता इसका नाम, ये सिर्फ अपनी मम्मी ममता की ये जुड़वा है ना दोनों, तो इसका नाम माही, ये योगिता और माही रखो इनका नाम, दोनों भतीज जुड़वा हैं, ये जुड़वा योगिता और माही, वैसे इनका नाम यही होना चाहिए योगिता और माही। आज मंदिर में आए हैं, ये खीर खाएंगे, खीर खीर भी खाओगे? हाय कर दी, बाय कर दी, बाय कर दे, बाय कर दे। तो गाइस यहाँ पे हमारी बेकाबू भी आ गई है, काबुली। हाय काबू, हाय हाय कर। तो गाइस मुझे मंदिर का चाय मिल गया, और यहाँ पे पूरी इसमें इतना चाय था, इतना चाय, इतना फुल चाय था। तो यहाँ पे पंडित जी हम लोगों को आशीर्वाद देने हैं, पूजा वगैरह हम लोगों ने आरती वगैरह अच्छे से कर लिया। यह मंदिर में आके इतना सुकून मिल रहा है, क्या बताऊँ आप लोगों को। आज मैं शादी के बाद पहली बार इस मंदिर में ऐसे समूह वाले पूजा में आ रही हूँ, पूरे गांव वालों की पूजा मिलजुल के। भगवान जी ने चाहा तो आगे को हम लोग भी अपने मंदिर पे कथा करेंगे। और यहाँ पे मुझे और मेरे पति देव जी को आशीर्वाद दे दिया है। तो गाइस मंदिर के जस्ट सामने पे कैंप है और ताऊ जी तो बहुत दिनों बाद दिख रहे हैं। ताऊ हेलो कहो। हेलो ताऊ, थोड़ा बुखार उखार आ गया था, अब थोड़ा ठीक है ताऊ जी? पापा भी देखेंगे और नीचे पे जस्ट कैंप है और ऊपर साइड को गांव है, यहाँ पूजा हो रही है सबकी। ये हमारी गोलू, अभी थोड़ी देर पहले लिए, ये नाम गोलू सही हो, ये नाम योगिता हो, गोलू नाम बोल जे तो ही गोलू कौन है। इसका नाम तो योगिता है ना, अभी रखा है इसका नाम, जय कर दी जय जे। और यहाँ पे दीवाना खाना बना रहे हैं और यहाँ पे देवता आते हैं, तो यहाँ पे दिया बत्ती का रखा है, ये हमारा मंदिर। और यहाँ पे खाना बना दिए, पता नहीं क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देख के आते हैं, यहाँ पे हलवा बन रहा है गाइस, पूरी पूरी बन गई है और हलवा बन, हलवा कब से बनानी क्या ये? अरे टाइम लगता है, शाही होने हो, शाही शाही है, शाही पहाड़ में शाही बोलते हैं उसको, दो तीन घंटे तो लगे जाते हैं। किस चीज का बनाते हैं? आटे का, चावल, चावल के आटे का, पानी डाल के उसमें, मतलब पूरा पानी टाइप का, ये कुछ लगा है।
अभी टाइम लगेगा इसे बनने में, दीपू भैया बना रहे हैं। तो गाइज यहाँ पे बहुत सारी फोटो शूट कर लिए हैं, एक भी फोटो अच्छी, बस एक फोटो अच्छी आई मेरी। हम लोगों ने कल रात में ही स्टे किया था इस वाले कैंप में, वहाँ पे अर्जुन भैया अपना काम कर रहे हैं, पेंटर हैं अर्जुन भैया, और यहाँ पे तन्मय नंद भैया लोग फुटबॉल क्या खेल रहे हैं, बैट बॉल खेल रहे हैं। और अभी मुझे ना स्कूल के बच्चे भी मिले थे, पार साइड थे वो, इस साइड को थे, मैं इस साइड को, मुझे हाई बोल रहे थे, नंदू भैया ने यहाँ छक्का मार दिया, ये देखो गाइस तन्मय दौड़ते हुए गया। तो गाइस यहाँ पे हो रहा है गोदान और मामा यहाँ पे बैठे हैं। मामा कुछ बोलना चाहोगे? क्या बोलूँ, भूख लगी है ये, पूजा पाठ हो जाते खाना खा लेता, थोड़ा आराम हो जाता है उसके बाद, और सब ठीक, और सब बढ़िया। चलो ओके, आज खाने में क्या क्या बना है मंदिर में? दाल, चावल और भात, सब्जी, खीर, पूरी, हलवा, ये बना है। तो आज ये सब चीजें खाएंगे हम लोग। हाँ, हम लोग सब चीज खाएंगे। हाँ, और सब बढ़िया, बस सब बढ़िया। हाँ, ताई मेरा ब्लॉग मुंबई से देखती है, दोनों ताई लोग देखते हैं ब्लॉग मेरा। हाँ, ताई तो काव्या को पानी पिलाने में रहती है, काव्या ताई के पास जा रही है जब से ताई घर आई है ना, ना? तो गाइस मेरे बाल गीले थे और मैं वैसे जूड़ा ही बनाया था मैंने, अभी रील बनाने वक्त खुला था, अब दोबारा से जूड़ा बनाती हूँ। गोदान भी लगभग हो गया है, उसके पास जल्दी करो रे, भूख लग गई। और सबको भूख लग गई आज, हर्षो को नहीं लगी लेकिन भूख ना, हर्षो भूख लग गई ले ले। और ये हमारे मामा देखो, काबू मेरे से, काबू आते होने लग गए गाइस यहाँ पे। आजा ना आरती में, आरती में आजा। पतिदेव जी को अस्सी का मिल गया गाइज, देखा ये घी भी मिलता है यहाँ। तो गाइज अभी हम लोग खाना खाने के लिए बैठ गए हैं और हम लोगों को मंदिर का अस्सी का मिल गया है, सब लोग बैठे हैं। तो गाइज मंदिर में हलवा पूरी मिल गया, मंदिर का खीर, ताई भी खा रही है मंदिर का खीर, टेस्टी करो, बहुत अच्छा हो रहा बोल, नहीं आज खीर खाएगा। हाँ शिवा अभी तो हनी भी खाता है, हनी तो बहुत अच्छा है आपका मंदिर का खीर, चावल सब्जी दाल सब कुछ मिक्स है, लाल मिर्ची हरी मिर्ची। ताई जी मामा भी खीर खा रहे हैं, कैसा हुआ मामा खीर, सबसे टेस्टी क्या लगा आपको? सारा खाना बहुत टेस्टी हुआ, हम लोगों ने तो खा दिया, कैसा हुआ था खाना? बढ़िया है, बहुत टेस्टी, मैं तो सब्जी बहुत अच्छी लगी, आपको भी सब्जी बहुत अच्छी लगी? हाँ, ताई को भी सब्जी अच्छी लगी। ताऊ खाना खा दिया आपने, कैसा बना था? बहुत अच्छा, कौन से खाने सबसे भल की लागत हमने? गाइस ये खाना सबके घर में जाएगा, इतना बचा अभी और बचा है, बचे मुझे सब सबका होता है वो। इसे डाइट बोलते हैं, डाइट डाइट का खाना है ये, और दीवाना बांटते। अब देखिए दाल कैसे डाल। सो गाइस अभी हम लोग आ गए घर और पूजा बहुत अच्छी रही हमारी,
तो ये साड़ी पहन के बहुत अच्छा लग रहा है, ये मेरी बर्थडे वाली साड़ी है गाइस, कैसी लग रही है बताना। तो आप लोगों को भी मंदिर में जाने का मौका मिलता है तो ज़रूर जाइए, और यहाँ पे तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद, थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड एक प्यारा सा कमेंट कर देना।